Hey guys, welcome back to my channel. This is Millicent Club Vlogs. Today I'm going to tell you how to wear screw stud in nose and ear. अक्सर लोगों को प्रॉब्लम होती है नोज़ के अंदर स्क्रू स्टड पहनने की. जो गोल्ड में आते हैं वो स्क्रू के अंदर ही आते हैं, और एयर के अंदर भी जहाँ हेलिक्स पियर्सिंग होती है, ट्रेगर्स होता है, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है स्क्रू स्टड पहनने के लिए. सो आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू वेयर स्क्रू स्टड इन डिफ़िकल्ट प्लेसेस. फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक सिंपल सा स्टड ले लेंगे, मतलब टॉप्स जो होता है, एक जो स्टॉपर वाला टॉप्स होता है जिसकी आगे की स्टिक पूरी लंबी होती है, जिसको हम पीछे से स्टॉपर के साथ पहनते हैं, हम वो ले लेंगे एक. ये मैं इजी वे बता रही हूँ, जिस तरह आपको जब पियर्सिंग करवाने जाते हैं तो शॉप में आपको कनेक्टेड करके पहनाते हैं, इसी तरह का बता रही हूँ. एक ट्वीज़र ले लेंगे जिसके एंड्स शार्प ना हो, मतलब आपके कानों में लगे ना, वो वाले ट्वीज़र ले लेंगे एक. और एक छोटा सा मिरर ले लेंगे जिसको हम रिफ्लेक्शन में देख सकें. एक आगे शीशा होगा और एक पीछे से हम इसको लगाएंगे तो हमें रिफ्लेक्ट में अपना टॉप्स और स्टर्ट नज़र आएगा. ये मैंने ट्रेगर्स एयरिंग उतार लिया है, इसको पहनाने का बताऊंगी. अच्छा, ये मैं ट्रेगर्स में बता रही हूँ क्योंकि मेरी नोज़ पियर्स नहीं हुई हुई, तो नोज़ के अंदर भी सेम इसी तरह से ही पहनते हैं जिस तरह से मैं एयर में बता रही हूँ. और ये साइड इस तरह की है कि नोज़ के अंदर भी बिल्कुल इसी तरह पहनते हैं अंदर डालकर, तो सेम यही प्रोसेस होगा नोज़ में भी पहनने का और हेलिक्स पे भी पहनने का और ट्रेगर्स में भी. सबसे पहले सिंपल वाला जो टॉप्स लिया था हमने वो पहन लेंगे हम. ये तो इजीली विदाउट मिरर भी आपको आराम से ही आ जाएगा. तो अब इसको मिरर के अंदर देखिए, इसका रिफ्लेक्ट करेंगे हम सामने वाला. एक आप मिरर के सामने खड़े हों और साइड से ये मिरर लगा के देखेंगे तो आपको रिफ्लेक्शन में आपका टॉप्स का अंदर वाला साइड नज़र आएगा. अब ये ट्वीज़र के अंदर हम इसका स्क्रू का नीचे वाला पार्ट ले लेंगे जो अंदर से लगता है, उसको हम सिंपल वाले स्टड की स्टिक के अंदर बिल्कुल अंदर डालकर उसको पीछे से प्रेस करेंगे तो ये स्क्रू हमारा कान के अंदर चले जाएगा पीछे के साइड से. ट्वीज़र को बिल्कुल नीचे का जो स्क्रू है उसको इस तरह से पकड़ लेंगे, छोटा सा जो फ्लावर बना होता है नीचे. अब हम इसको सिंपल वाले स्टड के एंड पे रखकर इसको स्क्रू को अंदर डालेंगे तो ये उस स्टिक के अंदर चला जाएगा इसका स्क्रू वाला पार्ट, और हम पीछे से प्रेस करेंगे तो ये स्टड आगे आ जाएगा और स्क्रू वाला पार्ट हमारे कान के अंदर चला जाएगा पीछे के साइड से. ये नॉर्मल में इस तरह सिंपल पहनना काफ़ी मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये बाहर नहीं आ पाता और हम पीछे से डाल भी नहीं सकते क्योंकि हमें अपना होल नज़र नहीं आ रहा होता, स्पेशली नोज़ के अंदर ट्रेगर्स में, हेलिक्स में, तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है. जहाँ आप पियर्स करवाते हैं वहाँ पर अगर आप लोगों को पहनने के लिए गोल्ड देना होता है तो वहाँ पर वो इसी तरह से कनेक्ट करके पहनाते हैं, लेकिन उनके पास तो पियर्सिंग नीडल्स होती है. मेरे पास थी लेकिन मैंने पियर्सिंग करने के बाद डिस्कार्ड कर दी, तो ये मैं इसी तरह से पहनती हूँ. ये आप देख सकते हैं पीछे से स्क्रू आगे बाहर निकल के आ गया, ये ब्लैक ब्लैक सा जो दिख रहा है ये स्क्रू हमारा बाहर आ गया है, और पीछे से प्रेस कर रहे हैं तो बिल्कुल आगे आ गया है. अब ये आगे वाला पहनना बहुत इजी हो जाता है, पीछे से प्रेस करके रखें और उसको थोड़ा सा पकड़ कर रखें और आगे से इसके स्क्रू को राउंड राउंड करते जाएँ, घुमाते जाएँ, तो ये स्क्रू आराम से इसके अंदर चला जाता है और बहुत ईजीली वे है पहनने के लिए. पीछे से हम फिंगर रखेंगे इसके अंदर और उसको थोड़ा सा प्रेस करके रखेंगे ताकि पीछे का स्क्रू घूमे ना. अगर वो घूमता जाएगा तो फिर हमारी जो इसके अंदर चूड़ियाँ बनी हुई हैं वो चढ़ेंगी नहीं एक दूसरे पर और वो स्टड ठीक से बैठेगा नहीं, तो हमें थोड़ा सा प्रेस करके और थोड़ा सा पकड़ के रखना पड़ेगा. मैंने पहले उसको फिट करने के लिए थोड़ा ट्वीज़र रखा है, उसके बाद उसको हल्का सा घुमाया तो मेरा स्टड तो काफ़ी ज़्यादा यूज़ेबल है तो आराम से इसकी चूड़ियाँ फ़ौरन से चढ़ जाती हैं, लूज़ हैं. लेकिन जो न्यू स्टड्स होते हैं उनकी चूड़ियाँ थोड़ी सी टाइट होती हैं तो उनको अच्छे से पकड़ कर ही करना होता है. अगर आपको फिंगर से नहीं हो पा रहा, फिंगर से स्क्रू नहीं लगता, तो आप पीछे से ट्वीज़र से ही पकड़ लें. जिस तरीके से हमने पकड़ के पहना था फ्लावर को, उसी तरह पीछे ट्वीज़र डाल के उसको फ्लावर को पकड़ के रखें और आगे से आप चूड़ी घुमाएंगे तो वो आराम से चली जाएगी.
आई होप जिस तरह से मैं बताना चाह रही हूँ और आप लोगों को कहना चाह रही हूँ वो आप लोगों को समझ में आए, क्योंकि अगर समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, मेरा मकसद कामयाब हो जाएगा जिस तरह से मैं बताना चाह रही हूँ ईजी वे में। आई होप यू विल लाइक द वीडियोस। फॉर मोर अनदर वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।